फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस मैंने अभी कल ही एक न्यू माइक्रोवेव ओवन लिया है, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, नहीं तो आई बटन ऊपर है तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो गाइस जो ओवन हमने लिया था, आज उसके होने वाली इंस्टॉलिंग जो कि IFB कंपनी का है, जिसके आज जो इंजीनियर है वो आने वाले हैं, फिर उस ओवन को इंस्टॉलिंग करने वाले हैं। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं डायरेक्ट इंस्टॉलिंग पे। ग्रिल भूनने का काम आता है, जैसे आलू भूनना है, ठीक है, और शकरकंद भूननी है, या आपको आलू की टिक्की भूननी है, भूज के बनाते हो ना, वो चीजें कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ही बटन में दो ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ग्रिल चला सकते हो या माइक्रोवेव या ग्रिल। बहुत सी रेसिपी ऐसी होती है, जैसे नहीं ऊपर से सेकते भी हो और बॉइल भी होता है जी। एक बार में ग्रिल चलेगी, दो बार में आपका ये चल रहा है माइक्रोवेव प्लस ये। फिर उसके बाद कह रहा है सीवन, सीवन में आपको यहाँ पे देखो दे रखा है, सीवन में 110 सेल्सियस टेम्परेचर है जी। फिर दबाओ C2 में आपका दिखा रहा है 170 सेल्सियस तक, ठीक है। अब आप क्या टर्न ग्रिल जो आपको हमने ये लगाई थी ना जी, ये ऐसे भूंज भूंज के आपका करेगा, चारों तरफ सेकेगा। जैसे आलू आप छोटे छोटे आलू भी मसाला साला में भूज के कर सकते हो, पनीर वगैरह भूज कर सकते हो, इस तरीके से ऐसे रिमूव करता रहेगा। टर्न ग्रिल का ये देखो सिंपल है, ये देखो नहीं सांप जैसा लिखता है, ये माइक्रोवेव प्लस ग्रिल है। इसमें फिर दबाओगे तो माइक्रोवेव प्लस टर्न ग्रिल चलेगा। आ गया ये सारी चीजें आपकी फुली ऑटोमेटिक है जी। इसमें पूरी लिस्ट लगी हुई है जी। एक एक ऑप्शन में 10-10 से 15-15 ऑप्शन है जी। केक, ये केक देखो 475 ग्राम का केक बना सकते हो बस केवल, इससे ना कम है ना ज्यादा है। हेलो वेट और क्वांटिटी और कोई ऑप्शन नहीं लेना है। जैसे ये केक 475 ग्राम का वेट होना चाहिए, आप सीधे स्टार्ट करना है, ये 45 मिनट में कम्प्लीट कर देगा। ये राइस 150 ग्राम, 150 ग्राम चावल। अगर ज्यादा रहेगा तो कैसे क्वांटिटी बढ़ेगी? इसमें ये इसी पता है 600 ग्राम तक है, जितना आपका 150 ग्राम से 6 ग्राम का आइडिया तो हो ही जाता है ना। जैसे 150 ग्राम 600 ग्राम है, स्टार्ट कर लिएगा 40 मिनट में कम्प्लीट कर देगा। ये पॉपकॉर्न है, 100 ग्राम पॉपकॉर्न है, रोटी गर्म है, अभी चालू है, गर्म करेगा कोई इसे और प्रेस करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। एक्सप्रेस कुक ये 10 मिनट का है, छोटा सा, दूध गर्म करना, सब्जी गर्म करना, चावल गर्म करना है आपके पास, गर्म कर लो। ये चला दीजिए, चला ये स्टार्ट वाले बटन दबा दीजिए बस। नॉर्मल करना है तो बीच में स्टार्ट होके देख लेना, आपको ये देखिए 15 अगर रोटी ऐसी खानी है या क्रिस्पी खानी तो ग्रिल में करो, ग्रिल में बताया ना स्टैंड उस पे रख के ग्रिल पे करो। उसको ग्रिल पे करिए आधा टाइम हुआ है इसका भी, 30 के लगाया था ना, एक बढ़िया वो बोले पैसा होगा, जैसे चूल्हे की रोटी होती ना जी, रखो ग्रिल पे रखो। इसमें क्या हल्की सी जैसी वैसे अगर आपको क्रिप्सी खानी है उसमें लेकिन टाइम लगता है जी। तो वो उसे 5 मिनट लगता है गर्म होने में, मिनट लगे 5, ये मिनट है, ये सेकंड चल रहा है। सो गाइस आप सभी ने देखा जो इंजीनियर थे उन्होंने इंस्टॉलिंग कर दी। बाकी आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को करो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।